हेलो फ्रेंड्स, टीएम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम पाठ्य योजना का एक नया प्रारूप देखेंगे। हम इस वीडियो में पर्यावरण की पाठ्य योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था कि हम सबसे पहले पाठ्य योजना डालते हैं क्रमांक 1, 2 या 3, तो ये हमारी पर्यावरण की पहली है तो हम इसको 1 नंबर दे देंगे। फिर यहाँ शिक्षक का नाम, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं शिक्षक शिक्षार्थी का नाम, या फिर जो बीएड डीएलएड कर रहे हैं वो लिख सकते हैं छात्र अध्यापक का नाम या छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम जहाँ पे भी आपको ये पाठ्य योजना प्रस्तुत करनी है। कक्षा, ये कक्षा सातवीं का की पाठ्य योजना है तो हमने कक्षा सातवीं डाला है। फिर विषय पर्यावरण, हमारा प्रकरण है जल प्रदूषण, यहाँ हम दिनांक डालेंगे, दिन, कालखंड और समय अवधि। समय अवधि हमेशा लगभग 40 मिनट की होती है तो हम यहाँ 40 मिनट डाल देंगे। कालखंड, जो भी हमारा कालखंड है मान लीजिए सेकंड है। दिन और दिनांक, जिस भी दिन हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले आता है सामान्य उद्देश्य, तो हमारा विषय है पर्यावरण, तो सामान्य उद्देश्य में हम इसी से संबंधित लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य पहला, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। कोई भी विषय पढ़ाने का हमारा पहला सामान्य उद्देश्य यही होता है कि हम उस विषय के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकें। सेकंड है, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना। थर्ड, विद्यार्थियों में पर्यावरण के नियमों से अवगत कराना। फोर्थ, विद्यार्थियों में पर्यावरण के पठन पाठन में निपुण करना। फिफ्थ, विद्यार्थियों में क्रियात्मक अभिवृत्ति का विकास करना। अगला है, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रयोगों से अवगत कराना। सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थियों को जल प्रदूषण के बारे में विस्तार से समझाना कि जल प्रदूषण क्या होता है। शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, चार्ट, पॉइंटर, पाठ्य पुस्तक। शिक्षण सामग्री वैसे तो हमने यहाँ पे डाल के सारी एक साथ लिख ली है, लेकिन हम इसको 2 भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। एक हम इसको दे सकते हैं कक्षा उपयोगी, सामग्री और विशेष सामग्री। ऐसे 2 पॉइंट डाल के भी हम लिख सकते हैं। कक्षा उपयोगी में हम डाल सकते हैं चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, ये हमारा हो गया कक्षा उपयोगी। और विशेष उपयोगी सामग्री जैसे पॉइंटर, डस्टर, पाठ्य पुस्तक जो भी, या फिर और भी जो हम टीचिंग एक्ट यूज कर रहे हैं, वो सामग्री हमारी विशेष उपयोगिता की वस्तु में आ जाए। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षण विधियाँ, तो इसमें हम व्याख्यात्मक विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। सामान्यतः हम यही 2 विधियों का प्रयोग करते हैं, बाकी साइंस वगैरह का यदि होता है तो हम उसमें प्रयोगात्मक भी विधि का उपयोग करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जल में होने वाली सामान्य अशुद्धियों से परिचित हैं। हमारी जो प्रकरण है वो जल प्रदूषण है, तो हमारा पूर्व ज्ञान क्या हो गया कि विद्यार्थी जल में होने वाले सामान्य अशुद्धियों से परिचित हैं। फिर आता है प्रस्तावना, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रस्तावना पूरे पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। यदि ये प्रभावशाली होती है तो आपकी पाठ्य योजना अच्छी होती है। तो सबसे पहले इसमें हम क्रमांक डालते हैं शिक्षक व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार। यहाँ पर भी आप शिक्षक शिक्षार्थी व्यवहार डाल सकते हैं, छात्र अध्यापक व्यवहार डाल सकते हैं, छात्र अध्यापिका व्यवहार डाल सकते हैं, और विद्यार्थी व्यवहार तो सेम है। पहला, इसमें हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रस्तावना निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी प्रकरण है वो हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से निकालेंगे। इसमें और भी विधियाँ हो सकती हैं, हम इसे चार्ट के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड पर कुछ पॉइंट्स लिख के उसके माध्यम से, प्रस्तावना की निकालने की कई विधियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से निकालेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा,
हमें जीवन जीने के लिए कौन सी चीजें आवश्यक हैं, तो उत्तर देंगे, संभावित उत्तर रहेंगे, कुछ गलत भी देते हैं बच्चे, कुछ सही भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा उत्तर आएगा वो आएगा जल, ऑक्सीजन, भोजन। फिर अगला प्रश्न, हम जल का उपयोग किन-किन कार्यों में करते हैं, खाना बनाने में, नहाने में इत्यादि। बच्चे अपने-अपने हिसाब से आंसर देंगे, तो उपयुक्त आंसर रहेगा जो भी सबसे ज्यादा बच्चे देंगे, खाना बनाने और नहाने आदि में। जब जल में अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो वह कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है, कुछ बोलेंगे अस्वच्छ हो जाता है। इस अस्वच्छ जल को क्या कहते हैं, अब समस्या, क्योंकि वो नहीं जानता है कि इसको क्या कहते हैं। तब हम उद्देश्य कथन द्वारा बताएंगे कि अस्वच्छ जल को प्रदूषित जल कहते हैं और आज हम जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्रमांक डालेंगे, शिक्षण बिंदु डालेंगे, शिक्षक व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार। आप चाहें तो इसमें श्याम पट कार्य के लिए भी कॉलम बना सकते हैं, लेकिन जो शिक्षक व्यवहार रहता है वही हमारा श्याम पट कार्य भी रहता है, और हम श्याम पट पे मुख्य मुख्य बिंदु लिख देते हैं, इसलिए हम सामान्यता नहीं बनाते हैं। हाँ, लेकिन आप जब आपकी ये प्रस्तुतिकरण पूरा समाप्त होता है उसके बाद आप एक ब्लैक कार्ड शीट पे श्याम पट का प्रारूप बना सकते हैं। और यदि आप यहाँ कॉलम नहीं बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर उसकी कार्ड शीट को छोटा सा प्रारूप लें और उस पे अपना जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे फिल करेंगे वो लिखें और नीचे कुछ पॉइंट्स उस पर लिख दें। हाँ, तो हम अपने आते हैं प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण का पहला पॉइंट है जल प्रदूषण। सभी जीवधारियों के लिए जल आवश्यक है। अनेक हानिकारक पदार्थों के जल में घुलने से जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार जल का प्रदूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। ये शिक्षक द्वारा पढ़ा जा रहा है और बताया जा रहा है। इस समय बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद वो लिखेंगे। उद्योगों द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ, घरेलू अपमार्जक से भी जल प्रदूषित होता है। जब ये शिक्षक बता रहा है, समझा रहा है, तब विद्यार्थी सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट है जल प्रदूषण के कारक। तो हम बच्चों को बताएंगे वहित मल का निकास, उर्वरक कीटनाशक का निकास, घरेलू व जानवरों के उत्पन्न गंदगी। ये सारे पॉइंटों को हम विस्तार से, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चों को पढ़कर सुनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे उनको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। इस समय भी विद्यार्थी सुनेंगे और लिखेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट है औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जैसे गैस गैस आदि जल प्रदूषण का कारण होते हैं। ये सब हम उनको बताएंगे। फिर हाँ, हम उनसे बीच बीच में हमें उनसे प्रश्न भी करना है, जिसको हम कहते हैं बोधगम्य प्रश्न। यहाँ पे हम चाहें तो टाल भी सकते हैं, जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हम ये यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके बाद जो पूछ रहे हैं वो हमारे बोधगम्य प्रश्न होते हैं। तो हमने उनको भी बताया कि जल प्रदूषण क्या होता है, किसे कहते हैं, तो यहाँ हम उनसे पूछ लेंगे जल प्रदूषण किसे कहते हैं, बच्चे आंसर देंगे। फिर अगला पॉइंट आता है जल प्रदूषण के दुष्परिणाम। यहाँ पे हम उनको विस्तार से जल प्रदूषण का दुष्परिणाम बताएंगे, उन्हें समझाएंगे कि हमें दूषित जल पीने से मनुष्य बीमार हो जाता है, उसे बुखार हो जाता है, मलेरिया का शिकार हो जाता है वगैरह। हम उनको यहाँ पे जो भी पाठ में दिया गया है विस्तार पूर्वक उनको बताएंगे। इस समय भी बच्चे सुनेंगे और लिखेंगे। और हाँ, हम कुछ पॉइंट्स जो कि हम पढ़ाते जा रहे हैं, हम इनको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते जाएंगे क्रम से, जिसमें बच्चों में भी निरंतरता रहती है और शिक्षक भी नहीं भूलता है कि अब उसने ये पढ़ा दिया, अब उसको ये बताना है। फिर हम वही बोधगम्य प्रश्न पूछेंगे, जल प्रदूषण का मुख्यतः क्या दुष्परिणाम है, तो बच्चे बताएंगे मनुष्य में बीमारियों का उत्पन्न होना। फिर हम अगला पॉइंट उन्हें समझाएंगे कि जल प्रदूषण को रोकने व जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के लिए निम्न कार्य करना चाहिए, जैसे वृक्षारोपण, लघु बांध, ड्रिप सिंचाई, नल खुला ना छोड़ें वगैरह, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रकार यहाँ पे हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पे भी हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं चाहें तो।
तो यहाँ आप लिख दीजिए और पूछ लीजिए, वरना पर्याप्त है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ब्लैक बोर्ड का प्रारूप लगा सकते हैं, तो आप बस जैसे ही पाठ्य योजना समाप्त होती है यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड का प्रारूप लगा दीजिए। प्रारूप में आप जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे फिल करेंगे, छात्र अध्यापिका का नाम, शिक्षक का नाम वगैरह, प्रकरण वगैरह, वो लिख दीजिए और मुख्य मुख्य पॉइंट लिख दीजिए। इसके बाद आप वो चिपका दीजिए। उसके बाद आप जैसे हमने जल प्रदूषण का लेसन प्लान बनाया है, तो जल प्रदूषण के लिए जो भी हम TLM यूज़ कर रहे हैं वो बना सकते हैं, आपकी प्रदूषित जल किन किन चीज़ों से हो रहा है। जैसे आप कारखानों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, नदियों के किनारे कपड़े धोना, इन सब का चित्र बना के उसके बाद लगा दें। फिर उसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जो भी हमने पाठ्य योजना में पढ़ाया है, जब संपूर्ण पाठ्य योजना हमारी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद हम संपूर्ण पाठ्य योजना में से प्रश्न पूछते हैं, तो ये 2 से 3 हो सकते हैं। फिर हम कक्षा कार्य देंगे उनको, कुछ हम बीच में बैठा के वहीं पे बच्चों से कराते हैं, तो हम उनसे कक्षा कार्य में भी कुछ प्रश्न पूछ लेंगे। ये प्रश्न बौद्धगम्य प्रश्न भी हो सकते हैं। फिर हम गृह कार्य देंगे उनको, सभी देते हैं अपने स्कूल में बच्चों को, जो जो भी उस दिन वो पढ़ाते हैं, उसी तरह हम पाठ्य योजना में भी गृह कार्य देंगे। उसके बाद टिप्पणी, टिप्पणी ये है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप ये पाठ्य योजना प्रस्तुत कर रहे हैं तो जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा वो यहाँ पे आपको टिप्पणी देगा, तो आप टिप्पणी व सुझाव ऐसा भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि ये आप में कमियाँ थी, ये अच्छा था, ये सब पॉइंट यहाँ लिखी, या वो कुछ सुझाव भी दे सकता है कि अगली बार ये करें, अगली बार ये करें, यहाँ पे आपके साइन आएंगे। तो यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। ये थी हमारी पर्यावरण की पाठ्य योजना। अगले वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।